मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर दी गई है कि सरकार ने अवार्ड के नियमों में फेरबदल कर दिए हैं। इससे पहले भी कई बार मांगे उठ चुकी है सचिन तेंदुलकर के लिए, खास तौर पर कि सचिन तेंदुलकर का जो भी योगदान क्रिकेट में रहा है, विशिष्ट योगदान करेगा, उसको भारत रत्न से नवाजा जा सके। इस बात के प्रावधान के संबंध में होम मिनिस्ट्री ने प्रपोजल भेजा और इस बात को प्रधानमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया और अप्रूव करने के बाद अब ये साफ हो गया है कि सरकार अब सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद या दूसरे कोई भी लोग जो कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट योगदान किया है, अच्छा काम किया है, उसे भारत रत्न से नवाज सकती है। मैं जानकारी आपको ये देना चाहूंगा कि इससे पहले जो कुछ एरियाज बिल्कुल निश्चित किया हुआ था कि या तो वो व्यक्ति आर्ट से हो, आर्ट लिटरेचर से हो, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज से हो, और खेल कोई भी खिलाड़ी को शामिल अब तक नहीं किया जाता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद अब इस संबंध में प्रपोजल भेजा जा सकता है।